फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेजर्ट फूड रेसिपी। आइए आज हम बनाएंगे गर्मियों में पीने वाला शीतल पेय कैरी पन्ना। कैरी पन्ना बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कच्चे आम। इनको ऊपर से हम छिलका उतार देंगे और अंदर का फलक इनका निकाल लेंगे। आम को हमने छील लिया है, इसका फलक हम चाकू की मदद से निकाल लेंगे। कैरी पन्ना की तासीर ठंडी होती है, पीने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। फलक हमने निकाल लिया है, इसको हम एक भगोने में डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे। कैरी पन्ना लू लगने से बचाता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको पानी डाल के हम गैस पे इसको पकाएंगे जब तक ये जो कैरी है हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। ये देखिए कैरी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, कैरी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। फ्लेम को हम बंद करके कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हो चुका है, इसको हम मिक्सी में डालेंगे। इसमें हम 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच सौंफ भिगोई हुई इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पलक मैं 2 बार में पीस रही हूँ। दूसरी बार में इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हम बड़ी छलनी से छान लेंगे। टोरी हम लेंगे पुदीने की पत्तियाँ, इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें ठंडा पानी डालेंगे और इसको भी पीस लेंगे। पुदीना भी ठंडा होता है, गर्मियों में इसको खाना बहुत। पुदीने की पत्तियों को मैंने अच्छे से धो के फिर इसको पीसा है। अब ये पानी भी हम इसके अंदर डालेंगे और अब हम बाकी मसाले बनाएंगे मिलाएंगे। इसमें हम मिलाएंगे 2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 टीस्पून मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप इसमें काला नमक और साधारण नमक भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम पानी और ऐड करेंगे। ये 2 कैरी में 1 लीटर से 1.5 लीटर के करीब बन जाता है। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कैरी पन्ना बनके तैयार है। तो कैसे लगी मेरी रेसिपी, आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसको हमें ठंडा ठंडा पीना है तो इसको आइस क्यूब से हम सजा लेते हैं। बनके तैयार है।